नमस्कार, मेरा नाम हितांश जामनेरिया है। मैं कक्षा 8वीं ब का छात्र हूँ। आज मैं आप सभी के सामने मेरी उड़ान के तहत अपने विचारों का सकारात्मक संदेश प्रस्तुत कर रहा हूँ। मनुष्य के जीवन को सही रास्ते पर चलाने के लिए कुछ मील के पत्थर हैं, जैसे आत्मविश्वास, संकल्प, संयम, समता, सहिष्णुता और सकारात्मक सोच। जो व्यक्ति भाग्य और नियति के हाथों का खिलौना बनकर बैठ जाता है, उसे अपनी मंजिल कभी नहीं मिलती। उसके लिए जरूरी है सकारात्मक सोच। एक कहावत है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जैसा हम सुनते हैं, जैसा हम सोचते हैं, वैसा हम बन जाते हैं। ये कहावत पूरी तरह से सही है, क्योंकि हमारा मन एक वक्त में एक ही विचार कर सकता है, सकारात्मक या नकारात्मक। जब संकट बड़ा हो तो संघर्ष भी बड़ा अपेक्षित है। इस संघर्ष में आपकी मुट्ठियां तन जाने का अर्थ है कि आपके अंदर लक्ष्य को हासिल करने का पूरा विश्वास मौजूद है। जीवन को नई दिशा देने एवं संकट से मुक्ति के लिए कांटों की ही नहीं, फूलों की गणना भी जरूरी है। अगर हम कांटे ही कांटे गिनते रहे तो फूल भी हमारे लिए कांटे बन जाएंगे। सैमुअल बेकेट ने कहा है कि उम्मीद की मध्यम लो ना उम्मीदी से कहीं बेहतर है। हकीकत तो यह है कि हंसी और आंसू दोनों हमारे भीतर है। अगर सोच को सकारात्मक बना लें तो जीवन रसमय बन जाएगा। आज संसार में जो भी घटित हो रहा है, उसको देखने के लिए नजरिए दोनों हो सकते हैं। सकारात्मक सोच ही हमें खुशियां देगी, लेकिन नकारात्मक सोच सिर्फ दुख देती है। जिंदगी के सफर में नैतिक एवं मानवीय उद्देश्यों के प्रति मन में अटूट विश्वास होना जरूरी है। कहा जाता है कि आदमी चलता नहीं, उसका विश्वास चलता है। आत्मविश्वास सभी गुणों को एक साथ बांध देता है। यहाँ मुझे कुछ पंक्तियाँ याद आ रही है। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमां है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। तो अपनी सोच का दायरा बड़ा रखें। जो व्यक्ति अपनी सोच को सीमित रखता है, वह अपने सपनों को कभी पूरा नहीं कर पाता है। हमें सफलता तभी मिलती है जब हम अपनी नकारात्मक सोच को त्याग कर स्वयं को सफलता के योग्य समझें। धन्यवाद।